हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कलाकंद की बहुत ही शानदार रेसिपी। ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा चटपटा खाने को ही मन करे, कभी कभी मीठा खाने को भी मन करता है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक स्वीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आइए अब बिना कोई देर के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर दूध। ये गाय का दूध है, जहाँ तक हो सके आप लोग गाय के दूध को अवॉइड करें। मेरे पास यही अवेलेबल था इसलिए मैंने गाय का दूध ही लिया है। आप यहाँ पर भैंस का दूध या फिर पैकेट वाला दूध लें जो कि गाढ़ा हो। बस इससे होगा ये कि आपका जो खोया है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में बैठेगा, ज़्यादा क्वान्टिटी में बनेगा। मेरे पास पहले से ही ये दूध रखा हुआ था गाय का, इसीलिए मैं इसी दूध को यूज़ करते हुए इसे बना रही हूँ। अगर आप स्पेशली मिठाई के लिए दूध लेते हैं तो वो गाढ़ा दूध ही लें, पैकेट वाला। अब सबसे पहले हमें इस दूध को फाड़ना होगा। मैंने यहाँ पर 2 से 3 नींबू को छान कर ले लिया है, निचोड़ लिया है अच्छे से। अब हम सारा नींबू का रस एक साथ इसके अंदर नहीं डालेंगे, पहले 1 से 2 चम्मच नींबू का रस दूध के अंदर डालेंगे। दूध को पहले बहुत अच्छे से उबाल लेना है, उसके बाद ही आपको नींबू का रस ऐड करते हुए जाना है थोड़ा थोड़ा करके। मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच नींबू का रस डाला है, फिर इसे हल्के हाथ से हिलाना है। जितना आपको नींबू का रस चाहिए होगा बस आप उतना ही डालें, जब तक कि आपका दूध ना फट जाए। एक साथ ना डालें, धीरे धीरे करके इस तरह से हिलाकर चेक करें कि आपका दूध फटना स्टार्ट हुआ है या नहीं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 नींबू का रस लिया था छानकर, अब मुझे यहाँ पर 2 ही नींबू का रस यहाँ पर लग चुका है। सारा नींबू का रस मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा दूध जो है बहुत अच्छे से फटना शुरू हो गया है। पानी और खोया बिल्कुल अलग अलग होने लगा है, सेपरेट होने लगा है। आप अगर गाय का दूध लेते हैं बस इसमें दिक्कत यही होगी आपको कि आपका खोया जो है काफ़ी कम क्वांटिटी में बैठेगा, और कोई बात नहीं। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से खोया और पानी बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। बस अगर आपके पास नींबू का रस अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर विनेगर का यूज़ भी कर सकते हैं दूध को फाड़ने के लिए। ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और यहाँ पर एक तपेली और एक जारी ली है, इसके ऊपर इस तरह से कोई भी एक कॉटन का कपड़ा भी छा दे वाइट कलर का। उसके बाद हम इस खोए को इसके अंदर छान लेंगे। ये जो पानी है खोए का जो दूध फाड़कर हमने बनाया है इसे, इस पानी को आप चाहे तो ग्रेवी के अंदर यूज़ कर सकते हैं सब्जी बनाते वक्त, चाहे तो आप इसे फेंक भी सकते हैं, आपकी जो इच्छा। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है, और जहाँ तक हो सके आप इस पानी को फेंके ना, सब्जी ग्रेवी वाली सब्जियों के अंदर से यूज़ कर लें, बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही हेल्दी है। अब हम इस खोए को नॉर्मल पानी से धो लेंगे, ना ही हमें ठंडा पानी लेना है ना गर्म पानी, नॉर्मल पानी आप ले सकते हैं इसे धोने के लिए। बहुत ही अच्छे से इसे धोना है क्योंकि इसके अंदर हमने नींबू ऐड किया है तो ये काफ़ी खट्टा खट्टा है अभी, इसलिए 4 से 5 बार आप इसे अच्छे से धो लें। ये देखिए मैंने इसे धो लिया है, अच्छे से निचोड़ लिया है और इस प्लेट के अंदर रख दिया है। अब 15 से 20 मिनट के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसके ऊपर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी वजन रखकर इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक यहाँ पर हम दूसरा काम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पेन के अंदर, नॉनस्टिक पेन के अंदर 1/2 लीटर दूध लिया है। ये पहले वाले दूध से गाढ़ा दूध है क्योंकि यहाँ पर मैंने भैंस का दूध लिया है। देखिए सबसे पहले हमें दूध को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, बहुत अच्छे से दूध को उबाल लेना है। अगर आप स्टार्टिंग से ही गाढ़ा दूध लेते हैं, काफ़ी थिक दूध आप लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो मैं कस्टर्ड पाउडर डालने वाली हूँ वो डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं सिर्फ यहाँ पे दूध को गाढ़ा करने के लिए और इसका कलर चेंज करने के लिए 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को हम 1 से 2 चम्मच पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है, अगर आप कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो इसकी जगह आप थोड़े से केसर के तार को दूध के अंदर भिगोकर फिर दूध के अंदर डालें, इससे कि आपका दूध का कलर चेंज हो जाएगा और आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में, और फ्लेवर में भी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पर केसर का यूज़ नहीं किया है दूध के अंदर, कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे 2 काम हो जाएंगे, इससे कि मेरा जो दूध है वो भी बहुत जल्दी से ठीक होने लगेगा। कस्टर्ड पाउडर डालने से आपका दूध बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। अगर आपने दूध पतला लिया है तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे कंटिन्यू हिलाते हुए जाएं। अब देखिए हमारा खोया भी यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं खोए को। अब हमें इसे बहुत ही अच्छे से बिखेर लेना है, बिल्कुल दाना दाना बिखर जाना चाहिए।
अगर आपसे बहुत अच्छे से दाना नहीं बिखर रहा है तो आप इसे ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम अदरक वगैरह घिसते हैं उसके अंदर, इससे कि आपका खोए का एक एक दाना बहुत ही अच्छे से बिखर जाएगा और फिर मिठाई भी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए हमारा दूध जो है गाढ़ा हो गया है थोड़ा सा पहले की तुलना में। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। फिलहाल मैं यहाँ पर 3 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ, अगर ज़रूरत लगेगी हम बाद में चीनी और ऐड करेंगे। और 1/3 चम्मच इलायची का पाउडर। आप यहाँ पर केसर और इलायची डालकर इस मिठाई को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आप दूध को कंटिन्यू चलाते रहें। जब आप खोया वगैरह घिसते हैं करते हैं उस टाइम पर भी आपको इसका ध्यान रखना है और इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, वरना कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपका दूध बहुत जल्दी से नीचे चिपकने लगता है। ये देखिए हमारा दूध पहले से ठीक हो गया है। अब हम इस टाइम पर ऐड कर देंगे ये सारा खोया। आप चाहे तो खोया को ग्रेट करके डालें या फिर हाथ से बहुत अच्छे से इसे बिखेर कर अच्छे से क्रम्बल करके फिर डालें। ये देखिए इसे पनीर डालने के बाद या फिर खोया डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है और तब तक इसे आपको पकाना है जब तक कि आपका मिक्सचर जो है वो थिक ना हो जाए, जमाने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तब तक मीडियम फ्लेम पर आपको ये सारे काम करने हैं, इसे कंटिन्यू चलाते जाएं। 5-7 मिनट लगेंगे आपको, 10 मिनट भी लग सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर आपको इसे चलाते हुए जाना है। अगर आपको मुझे यहाँ पर मिठाई थोड़ी सी कम मीठी लग रही है इसलिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच चीनी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसे टेस्ट किया था। मैंने इसमें टोटली 4 चम्मच चीनी ऐड की है 2 लीटर दूध के अंदर। आप भी टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर मीठा डालें। वैसे ये मिठाई थोड़ी फीकी ही होती है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है कितना ठीक हो गया है, ये जमाने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, फटाफट से गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने इसके अंदर इलायची वगैरह डाल दी है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और लिक्विड कंसिस्टेंसी में रख सकते हैं, क्योंकि जमाने के बाद ये पहले से भी और थोड़ा ठीक हो जाएगा, जैसी आपकी चॉइस। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है जिसे कि हमें सबसे पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है ताकि आपकी मिठाई जो है वो चिपके नहीं, बहुत ही अच्छे से आपकी मिठाई निकल कर बाहर आए। ये देखिए मैंने ट्रे को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद हम डाल देंगे ये मिक्सचर। अगर आप थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी इसे रखते हैं तो जमाने के बाद ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेना है और मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद इस पर डाल देंगे हम ये ड्राई फ्रूट्स। जब ये गरम गरम हो उसी टाइम पर आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करें, गार्निशिंग करें। मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता की कतरन ले रही हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद अगर आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालते हैं तो वो मिठाई के साथ अच्छे से सेट नहीं हो पाते, अच्छे से इसके ऊपर चिपकते नहीं हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते, अलग से बिखरते हैं वो। ये देखिए मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए सेट कर लेना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए बाहर ही उसके बाद आप इसे फ्रिज में रखें 1/2 घंटे के लिए। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जम गया है। अब मैंने यहाँ पर चाकू को घी से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ट्राई करने के बाद कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है या फिर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप किसी भी फेस्टिवल पर इस मिठाई को बना सकते हैं, ये मिठाई सभी को बहुत ही पसंद आएगी। कलाकंद दिखने में जितना अच्छा लगता है खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी, इतना यम्मी लगता है। देखिए कितनी इजीली हमारी मिठाई जो है वो कट गई है। अब मैं आपको एक पीस तोड़कर बताती हूँ कि हमारी मिठाई जो है कैसी बनी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। बस हम फटाफट से इसे सर्व करेंगे, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी अदर रेसिपीज़ की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अब फटाफट से हम इसे केसर से गार्निश कर देंगे। अब बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।